जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने के जरिए जो आज उद्घाटन हुआ है, एक बहुत बड़ी सौगात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को मिली है। जनता खुश है और उससे रोजगार, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी देश के भविष्य के लिए या रोजगार को बढ़ाना है तो सड़कों का कनेक्टिविटी जरूरी है, जो आज उन्होंने किया। समाजवादी घमासान क्यों कर रहे हैं सर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? देखिए, उसके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी भी एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जो उन्होंने शुरू किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात उन्होंने की थी लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं, कार्य इस पर हुआ नहीं। खाली नाम और कहने से नहीं होता है, उसमें कार्य करना पड़ता है। जिस तरह से किसानों की भूमि का मुआवजा दे करके जिस तरह से कार्य हुआ है, समय लगा है, लेकिन आज वो दिन आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन। देखिए, हम जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धि जानते हैं वो आप सब जानते होंगे। 5 साल सफाई महोत्सव मना, सरकार जब से चली गई एक भी सफाई महोत्सव मनाया इन्होंने। सरकारी धन का बंडरबांट किया इन्होंने, लूट मचाई, और जब तक 80% कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होता है तब तक आप किसी टेंडर सड़क का, एक्सप्रेसवे का नहीं निकाल सकते हैं। 40% पे केवल कमीशन लेने के लिए कमीशन खोर समाजवादियों ने इसका टेंडर किया था, जबकि ज़मीन थी नहीं, तो सड़क के हवा में बनती। और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस बार हारने के बाद ये इतना धरातल में जाएंगे कि शायद 10-20 साल ये साइकिल और ये लाल टोपी कहीं नज़र नहीं आएगी। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है स्थानीय विधायक के द्वारा कि उसका उद्घाटन फिर से करेंगे। आपने देखा है गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की लूट। गाजीपुर को जितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार ने दिया है उतना गाजीपुर को पिछले 70 सालों में नहीं मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आप सब देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में स्टार्ट हो गया। इतनी सुंदर NH बनी है जो ये 10 साल पहले बन जानी चाहिए। मैं सौभाग्य है कि बनारस के सांसद हैं, उन्होंने बनारस से गाजीपुर को जोड़ा, इतनी बड़ी सड़क दी और गाजीपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से मुआवजा किसानों को मिला, उनकी समृद्धि बढ़ी, और NH से जो अधिग्रहण हुआ उससे किसानों की समृद्धि बढ़ी, उनकी आय बढ़ी है। और गाजीपुर में जितने भी विकास कार्य हुए हैं आप देखे होंगे, गाजीपुर में 2017 से पहले हफ्ते में एक दिन, पूरे हफ्ते 7 दिन दिन की लाइट होती थी, 7 दिन रात की लाइट होती थी। आप सब यहीं के रहने वाले हैं, इन समाजवादी भ्रष्टाचारियों का आपने वो भी समय देखा है कि किसी शरीफ आदमी का घर मकान नहीं बनने देते थे, थानों पे इनके कब्जे होते थे, तहसील पे इनके कब्जे होते थे, कोई गरीब पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं होती थी। जनता इन बहरूपियों को जान रही है और इनकी लाल टोपी से जनता नफरत करती है। देखिए, आज पूर्वांचल को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात सौंपी है, और इसके लिए पूरा प्रदेश, आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता है और धन्यवाद देता है। ऐसे में देखा जाए कल अखिलेश यादव यहाँ आने वाले हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वे फिर से उद्घाटन करेंगे, ऐसा यहाँ के स्थानीय विधायक का भी दावा है। देखिए, अगर कोई इस तरह का प्रसंग करता है तो यह बेहद हास्यास्पद है। अगर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी चीज़ का लोकार्पण कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, और विपक्ष के लोग इस तरह यदि बचकाना हरकत करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि प्रदेश और केंद्र की उपलब्धियों को वो पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह के बचकाना कार्य कर रहे हैं।